मध्य प्रदेश की नई सरकार होगी 3.85 लाख करोड़ की कर्जदार। क्या नहीं हो पाएंगे जनता के सपने पूरे? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव का मतदान हुआ, जिसका नतीजा 3 दिसंबर को आने वाला है। ऐसे में मध्य प्रदेश में 3 दिसंबर को जिसकी सरकार बनेगी उसे 3.85 लाख करोड़ रुपए का कर्ज विरासत में मिलेगा। इस लिहाज से देखा जाए तो प्रदेश के हर नागरिक पर फिलहाल 47,000 रुपए का कर्ज है। सरकारी खजाने से साल का 20,000 करोड़ रुपए सिर्फ ब्याज चुकाने में जा रहा है। साफ है कि नई सरकार के लिए खस्ता हाल खजाने से अपनी लोक लुभावन चुनावी घोषणाओं को पूरा करने के लिए बड़ी चुनौती सामने आने वाली है। यहां बताते चलें कि मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के परिणाम 3 दिसंबर को आने हैं। मतदान के बाद सत्तारूढ़ बीजेपी और विपक्षी कांग्रेस की ओर से सरकार बनाने का दावा किया जा रहा है। हालांकि वोटर का फैसला 3 दिसंबर को आएगा, लेकिन सूबे में सरकार किसी भी पार्टी की बने उसे विरासत में खाली खजाना मिलेगा। फिलहाल सरकार के ऊपर 3.85 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। करंट फाइनेंशियल बजट के मुताबिक सरकार की आमदनी 2.25 लाख करोड़ है और खर्च इससे 54,000 करोड़ अधिक है। अब नई सरकार को वर्तमान बजट से अधिक राशि की आवश्यकता होगी। क्या कर्ज में डूबी है मध्य प्रदेश सरकार? मध्य प्रदेश शासन का वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट 3.14 लाख करोड़ रुपए का है। इसका तकरीबन 26.2% हिस्सा वेतन भत्ते और ब्याज की अदायगी में ही चला जाता है। अकेले वेतन भत्ते को देखें तो वित्तीय वर्ष खत्म होने तक 56,314 करोड़ रुपए से अधिक इस पर खर्च होंगे। ये बजट का 18.64% होता है। वहीं पेंशन पर बजट का 18,636 करोड़ रुपए यानी 6.17% और ब्याज पर 22,850 करोड़ रुपए यानी 7.56% खर्च होगा। बता दें कि अभी मध्य प्रदेश सरकार पर जितना कर्ज है उस लिहाज से देखा जाए तो हर नागरिक पर 47,000 रुपए का कर्ज है। जानकार बताते हैं कि पिछले 23 सालों में प्रति व्यक्ति कर्ज 42,000 बढ़ गया है। साल 2001-02 में प्रदेश पर 23,000 करोड़ रुपए का कुल कर्ज था। जनसंख्या के हिसाब से प्रति व्यक्ति बमुश्किल 3,500 रुपए का कर्ज था। दरअसल 31 मार्च 2023 को खत्म वित्तीय वर्ष में सरकार पर 3.31 लाख करोड़ का कर्ज था, जो 2023-24 के अंत तक 3.85 लाख करोड़ रुपए होगा। 23 सालों में प्रदेश के हर एक व्यक्ति पर 44,000 करोड़ रुपए का कर्ज बढ़ गया। कर्ज लेने पर कांग्रेस ने उठाए थे सवाल। शिवराज सरकार की तरफ से लगातार कर्ज लेने पर कांग्रेस ने समय समय पर सवाल भी उठाया। कमलनाथ सरकार में वित्त मंत्री रहे हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के हर व्यक्ति पर कर्ज का बोझ बढ़ा दिया है। हालांकि भनोत ये भी कहते हैं कि कांग्रेस की सरकार बनने पर बेहतर ढंग से राज्य के खजाने को मजबूत किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी ये सवाल पूछे जाने पर लगातार कहते रहे हैं कि आरबीआई की गाइडलाइन के मुताबिक ही कर्ज लिया गया है। बताया जाता है कि प्रदेश सरकार सालाना 20,000 करोड़ रुपए ब्याज देती है। जीएसटी लागू होने के बाद से राज्य के पास नए टैक्स लगाने की गुंजाइश बेहद सीमित रह गई है। ऐसे में सरकार किसी की भी बने उसके लिए अर्थव्यवस्था को गतिमान बनाए रखने के साथ वित्तीय प्रबंधन बड़ी चुनौती होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।